हेलो, नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमिक करंट अफेयर में ये हमारा 5वां लेक्चर है। यहाँ पे हम इकोनॉमी का करंट अफेयर है प्रीलिम्स 2018 के लिए वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो आई है ग्रीन मसाला बॉन्ड के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रीन मसाला बॉन्ड है क्या, मसाला बॉन्ड वगैरह सब। देखो, बॉन्ड का काम मेनली होता है कि किसी भी अगर इंस्टीट्यूट या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, अगर उसे लोन की जरूरत होती है तो क्या करता है, मतलब पैसे की जरूरत होती है, लोन का मतलब यहाँ पे ही है। तो अगर पैसे चाहिए तो क्या करें, मार्केट में वो बॉन्ड जारी कर देता है। जैसे 100-100 रुपये के बॉन्ड जारी कर दिए, 200-200 के जो भी बॉन्ड जारी कर देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका फिक्स टाइम पीरियड होता है। उसके बाद उन्हें एक्स्ट्रा जो भी ब्याज वगैरह के अकॉर्डिंग पैसा तो वो पे करना होता है कस्टमर को। ये सारा सीन होता है बॉन्ड में। अब ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये होता है कि भाई वो पैसा जो बॉन्ड से पैसा कमाया है ना उन्होंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ रुपये उन्होंने बॉन्ड से पैसे ले लिए किसी कंपनी ने, वो पैसा केवल और केवल ग्रीन प्रोजेक्ट में ही यूज कर सकता है। ग्रीन लगने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ग्रीन प्रोजेक्ट जैसे कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होगी वहाँ पे फिर यूज कर सकते हैं, या फिर सोलर पावर प्लांट लगा दिया, या फिर कोई पर्यावरण वगैरह के लिए कोई और प्रोजेक्ट संबंधित हो गया, तो वो सारे प्रोजेक्ट में ही पैसा लगा सकते हैं। ये होता है ग्रीन मसाला बॉन्ड का काम। अब बात ऐसी है कि इंडिया का एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है IREDA, तो उसने अभी 3000 मिलियन डॉलर का फंड है वो इकट्ठा किया है इसी ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन मसाला बॉन्ड की हेल्प से। कहाँ से इकट्ठा किया है वो पैसा, उन्होंने इकट्ठा किया वो क्या, इंटरनेशनल सिक्योरिटी मार्केट लंदन से। पहली बार ऐसा हुआ कि इतना इतनी बड़ी मात्रा में पैसा है ग्रीन मसाला बॉन्ड के थ्रू इकट्ठा किया गया है, वो भी लंदन, मतलब लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज से। वहाँ से ये इसकी मेन काम है। पैसा कहाँ यूज होगा, वो होगा रिन्यूएबल एनर्जी के संबंधित होगा, वहाँ पे यूज किया जाएगा, जो कि है क्या, IREDA। ये मेनली इंडिया की एक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट पे पैसा है वो खर्च करेगी। अब पैसा कहाँ कहाँ यूज होगा, पैसा जैसे मैंने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट हैं, सोलर एनर्जी संबंधित हो गया है, या फिर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक के ऐसे प्रोजेक्ट हो रहा है जिससे इन्वायरमेंट को लॉस नहीं हो रहा हो, तो वहाँ पे पैसा है वो यूज़ किया जाएगा। इसके साथ ही जो बॉन्ड है ना, उसका एक खासियत बात यह है कि यह बॉन्ड है वो क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा भी सर्टिफाइड है। अब ये क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है, यह मेनली एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यह हमें ध्यान रखना है। UPSC देखो NGO वगैरह से संबंधित किसी ने पूछ लेती है, तो इसके द्वारा सर्टिफाइड है जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये मुद्रा योजना प्रमोशन के बारे। तो मुद्रा योजना प्रमोशन है वो है क्या, इसे मेनली गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च किया था। मेन मोटो इसका है मुद्रा योजना का कि भाई बिना सिक्योरिटी के लोगों को लोन देना। लोगों का मतलब यहाँ पे स्मॉल इंटरप्राइजेस का है, उनका मतलब है। तो इसमें गवर्नमेंट ने तीन कैटेगरी रखी है, एक तो वो है जिसको 50,000 तक का लोन देना हो, एक वो है जिसको 5 लाख तक का लोन हो, दो 5 लाख तक का, एक है वो जिसमें 10 लाख तक का। तो वो रेंज तो हमें याद नहीं करनी है, बस ये पता होना चाहिए। मुद्रा योजना का मेन मोटो ये है कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंडस्ट्रीज है ना, उनको भाई लोन दिया जाए ताकि वो लोग लोन वगैरह के लिए इधर उधर ना भागें। क्योंकि देखो, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है, जो बिजनेस होते हैं ना, इनको लोन क्या है कि बैंकों वगैरह से नहीं मिल पाता है। क्योंकि बैंक वगैरह बोलते हैं कि आप गारंटर लेके हो, आप अपने पास प्रॉपर्टी वगैरह कुछ दिखाओ, तो इनके पास इतना सारा पैसा होता नहीं है। अगर इनके पास पैसा तो खुद अपना बिजनेस ही कर लेते ना, इसलिए इनको लोन वगैरह नहीं मिल पाता है। माइक जो स्मॉल इंटरप्राइजेस या इंटरप्रेनर्स होते हैं इनको, तो इसलिए उनको पैसा देने के लिए मुद्रा योजना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट न्यूज है वो है संकल्प एंड स्टाइव स्कीम के बारे में। तो संकल्प एंड स्टाइव उसकी दो स्कीम है, एक तो है संकल्प, एक है स्टाइव स्कीम। किस लिए स्कीम है, दोनों स्कीमों का काम है कि लोगों को स्किल देना, और ये स्कीम स्टार्ट की गई है हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से इन स्कीमों को स्टार्ट किया गया है। पहली स्कीम है संकल्प, उसका काम तो है कि लोगों को नई स्किल देना, मतलब एकदम जिसको कोई स्किल वगैरह नहीं है उसको स्किल प्रोवाइड करना। स्टाइव का मतलब है स्ट्रेंथ करना, मतलब जिसके पास स्किल तो है बट टूटी फूटी स्किल है, उस स्किल को स्ट्रेंथ देना, मतलब और मजबूत बना, स्ट्रॉन्ग करना, क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना। तो ये दो स्कीम है, दोनों का काम हमने देख लिया। नेक्स्ट न्यूज है वो है UNCTAD, एनटेक्ड के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं कि एनटेक्ड है क्या। बात ऐसी है, एनटेक्ड वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखते हैं है क्या मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट। यह मेनली UN की ही एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, तो यह चीज हमें ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसी का एक यह एनटेक्ड प्रिंसिपल ऑर्गन है। वैसे नाम UN से ही पता चल रहा है, 1964 में बनाया गया था, और मेनली यह एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल एक बॉडी है, तो यह चीज हमें ध्यान रखनी है। अगला काम क्या, इसका काम क्या है, काम इसका यह है कि यह जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट संबंधित जो काम होते हैं ना डेवलपमेंट वगैरह से, उन संबंधित कामों में यह डील करती है। मतलब ट्रेड वगैरह बूस्ट करने के लिए हो, या फिर कोई डेवलपमेंट का हो, कि इन्वेस्टमेंट वगैरह काम हो, तो उन सब कामों से यह डील करती है। UN का एक तरीके से प्रिंसिपल ऑर्गन है। नेक्स्ट न्यूज है वो है सारथी एंड वाहन पोर्टल या एप्लीकेशन के बारे में। सारथी और वाहन है वो मेनली गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल एप्लीकेशन हो बनाया गया। किसके द्वारा, रोड हाईवे जो मिनिस्ट्री हमारी उसके द्वारा। किस लिए बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया, सारथी का मतलब तो यह जो चलाता है वो, मतलब ड्राइवर, तो यह पोर्टल बनाया गया ड्राइवर्स के लिए, और वाहन पोर्टल है वो बनाया गया व्हीकल्स के लिए, मतलब इसमें व्हीकल्स की इन्फॉर्मेशन रहेगी। सारथी में ड्राइवर से संबंधित जो भी काम होंगे, इन्फॉर्मेशन वगैरह, वो सारा काम है, तो ध्यान रखना है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट न्यूज है वो है इनलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में। तो इनलैंड डेवलपमेंट जो
एजेंसी है, सॉरी आयरलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है, इसका मेनली हेड कौन है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आयरलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के हेड होते हैं वो होते हैं होम मिनिस्टर। न्यूज में इसलिए थी क्योंकि यह जो डेवलपमेंट एजेंसी है ना, यह मेनली अंडमान और निकोबार के कुछ द्वीप है, 8-9 द्वीप, उनको एक्चुअली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हेल्प के तहत इनको डेवलप किया जाएगा और नीति आयोग की हेल्प से वहाँ पे प्रोजेक्ट है वो लगाए जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है, हेड इसका कौन होता है इस एजेंसी का, और नीति आयोग की हेल्प से वहाँ पे प्रोजेक्ट है वो लगाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? अंडमान और निकोबार के कुछ आइलैंड है वहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज है वो है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर, TISC। न्यूज एक्चुअली ये थी कि इंडिया का पहला टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर है वो पंजाब में ओपन किया गया था। अब देख लेते हैं काम का न्यूज। काम की न्यूज इसमें यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसकी हेल्प से ही इसे जो टेक्नोलॉजी के सेंटर है इनको खोला गया था। अब इसमें होगा क्या, इन टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन सपोर्ट सेंटर है इसमें लोकल जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इनका पोटेंशियल देखा जाएगा कि भाई उनके पास कितना पोटेंशियल है, कितना उनमें दम है, फिर उसके आधार पर उनके पोटेंशियल को यूज करते हुए उनकी गवर्नमेंट है वो हेल्प करेगी, मतलब उनको IPR संबंधित जो भी इशू वगैरह है उनका वो सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर देगा, ताकि वो अपनी जो बिजनेस वगैरह है उसको स्टेबल, मतलब किसी से बिजनेस को आगे गति दे सकें। तो उनके अपने पोटेंशियल को यूज करने के लिए गवर्नमेंट उनको सपोर्ट है वो देगी, नए इनोवेटर्स को, मतलब नए नवाचार वगैरह, लोकल नवाचार को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है वो आई है एक्सपो सेंटर के बारे में। तो एक्सपो सेंटर है वो मेनली क्या है, एक्सपो सेंटर का मतलब है एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, ECCC। ECCC का काम देख लिया के है, इसका काम मेनली है कि देखो एक्सपोर्ट है ना उसको बढ़ाना है, मेन काम तो ये है। अब एक्सपोर्ट को बढ़ाना किस तरीके से है, वो तरीका है प्रदर्शनी वगैरह की तरह, मतलब हमारे देश का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रदर्शनी वगैरह आयोजित की जाएंगी, ताकि वहाँ से डिफरेंट स्टेक होल्डर वर्ल्ड की वो आके वहाँ पे मिलेंगे, देखेंगे कि भाई अच्छा सामान है, फिर वो खरीदेंगे। तो ये सारा काम किया जाएगा एक्सपो सेंटर के द्वारा, ये मैं ध्यान रखना। तो इसका अभी नई दिल्ली में जो ऑर्गेनाइज सेंटर वो खोले गए थे। नेक्स्ट न्यूज है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत बनी थी। न्यूज क्या है, न्यूज भी हम यहाँ पे देखते हैं। न्यूज देखने से पहले इसके बॉडी के बारे में एक दो पॉइंट और है वो देखते हैं। एक तो यह है कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, क्योंकि वो इसी सोसाइटी एक्ट के तहत बनी हुई है, इसका ऑटोनोमस है और सेल्फ सस्टेनेबिंग प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब एक ही गवर्नमेंट देखो इसको स्टार्टिंग तो थोड़ा फंड देगी, उसके बाद ही अपने आप ही अपना पैसा वो इकट्ठा करेगी। इसका काम ही होगा कि हमारे देश के जो नेशनल लेवल के जो भी टेस्ट है वगैरह है ना, वो सारे इसी बॉडी के द्वारा आयोजित करवाए जाएंगे। मतलब हायर एजुकेशन एग्जाम से संबंधित जो भी टेस्ट वगैरह काम करवाना है वो इसी के द्वारा। अभी हमारे देश में हायर एजुकेशन के जो टेस्ट हैं वो CBSE के द्वारा आयोजित करवाते हैं, जो कि HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये सारे काम होते हैं। बट बात ऐसी है कि देखो CBSE वगैरह पे है, अभी नीट वगैरह का भी देखा था हमने, काफ़ी इशू चला था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना भाई टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाने के लिए सारी एक अलग से बॉडी बना दी जाए, जिसका काम केवल हो टेस्ट आयोजित करवाना, बस उसका और कुछ काम ही नहीं हो, ताकि इंस्टीट्यूट है उसमें हस्तक्षेप ना करेंगे और ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, और वो बॉडी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट आयोजित करवाएगी और टेस्ट कंडक्ट रहेंगे, तो उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी रहेगी और अच्छी क्वालिटी के टेस्ट हैं वो आयोजित करवाए जाएंगे। तो इसके लिए ही इस बॉडी का निर्माण किया जा रहा है। तो अभी इसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह मेनली आएगी। नेक्स्ट न्यूज है वो आइए वित्तीय साक्षरता अभियान के बारे में, विशाखा के बारे में। वित्तीय साक्षरता अभियान है ये, देख लेते हैं क्या, यह मेनली HRD मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्या होगा इसमें, होगा ये कि फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब फाइनेंशियल साक्षरता है कैंपेन है वो चलाए जाएंगे। होगा क्या इसमें, होगा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमारे देश के हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट के यूथ हैं उनको एक्चुअली क्या है कि कैशलेस इकोनॉमी के बारे में अवेयर करवाया जाएगा, डिजिटली इंडिया को प्रमोट करने के लिए जैसे कि पेटीएम वगैरह यूज किस तरीके से, तो वो सारे काम उनको बताए जाएंगे। मतलब डिजिटल इंडिया उसको आगे लेके जाना है, सीधी सी बात यही है। स्टूडेंट को कैशलेस इकोनॉमी के बेनिफिट बताए जाएंगे, क्या क्या उनको फायदे हो सकते हैं, जैसे कैशबैक वगैरह मिलेगा आपको, ये वगैरह वो मिलेगी और फैसिलिटीज वगैरह आप रिचार्ज कर सकते हो, वो सारे काम यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज है वही IMI के बारे में। तो देख लेते हैं IMI है क्या। यह मेनली है मिशन इंद्रधनुष वाला सीन है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। अब यह है वो है हेल्थ के लिए। देखो एक इंद्रधनुष और भी है, इंद्रधनुष अभियान, इंद्रधनुष अभियान है वो था बैंकों से रिलेटेड, बट ये मिशन इंद्रधनुष है ये रिलेटेड है हेल्थ से। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, और इसमें मेनली फोकस किया जाएगा दो चीजों पे, एक तो प्रेग्नेंट वुमेन पे, एक फोकस किया जाएगा 2 साल के, 2 साल तक की, 2 साल से कम ऐसे के बच्चों पे। तो ये ध्यान रखना कि ये हेल्थ से रिलेटेड है, प्रेग्नेंट वुमेन और 2 साल से कम बच्चों के लिए। अब इसमें और क्या होगा, इसमें मेन पॉइंट ये होगा कि 7 जो डिजीज हैं जो कि हमारे देश में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में थी, पहली थी डिप्थीरिया, दूसरी पोलियो, TB, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, मिजल्स और पेरूसिस। तो इन जो मेडिसिन, ये 7 जो बीमारी है ना, इनके लिए टीकाकरण वगैरह का फ्री है वो प्रोवाइड करवा देंगे। इसी के साथ इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री होंगी, वो होंगी एक तो WC वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, पंचायती राज मिनिस्ट्री, इसके साथ ही अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और इसके साथ यूथ अफेयर मंत्रालय। तो इन 4 मंत्रालयों के द्वारा मिलकर इसको स्टार्ट किया गया, 4 मंत्रालयों के इसमें कोलोब्रेशन होगा, और इसी में 2-3 डिजीज और ऐड की गई, 4 डिजीज और ऐड की गई हैं अभी, 7 तो ये थी और 4 और की गई। एक 4 कौन कौन सी, एक तो है जापानीज इंसेफ्लाइटिस, दूसरी है वो है हेमियोफेलसिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी,
और नहीं जो है वो है रूबेला और रोटा वायरस, तो इन सबको इसमें ऐड किया गया। काम सीधे सब है कि भाई बच्चों की हेल्थ है उस पर फोकस किया, क्योंकि देखो रूबेला और रोटा वायरस की वजह से बच्चों की काफी जाने चली जाती है, छोटे बच्चों की काफी ज्यादा चपेट में आ जाते हैं वो, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेटों में इसे प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। पर ये जो मेनली ऊपर वाली 7 डिजीज है ये तो है सभी स्टेटों में, ये तो सभी स्टेटों के अंदर काम करेंगी, और जो नीचे वाली ये 4 है जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो कि यूपी में काफी ज्यादा थी, जहाँ पे मतलब सफाई वगैरह नहीं होती है कुछ एरियाज में वहां ज्यादा, तो ये पर्टिकुलर एरिया में चले जाएंगी ये 4 स्कीम है वो, तो ये हमें ध्यान रखना है। स्कीम के बारे में देखो इनके डिजीज का पता होना चाहिए, यूपीएससी इनके बारे में डायरेक्टली पूछ सकती है। नेक्स्ट न्यूज है वो आई है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो स्कीम है इसका 3rd सीरीज है वो स्टार्ट की गई थी। इसमें इंपॉर्टेंट ही है कि यह आरबीआई के द्वारा जारी की गई एक स्कीम है, यह एकमात्र 20 स्कीम है जो कि आरबीआई के द्वारा स्टार्ट की गई थी 2015 में। इस स्कीम में ये होगा कि देखो भाई हमारे देश में लोगों का क्या कि सोना खरीदने का बड़ा क्रेज होता है, कि सोना खरीद लिया घर पे रख लिया कुछ काम आया या नहीं आया कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट को आपको पता है कि हमारे देश में सोना है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है, तो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट वो सोने की वजह से ही बढ़ता है, सबसे ज्यादा पेट्रोल है पेट्रोल के बाद सोना ही आता है। तो गवर्नमेंट ने ये देखा है कि भाई अगर लोग फिजिकल सोना खरीदने की वजह काम ये क्यों नहीं कर लेते कि जैसे सोना एज ए फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपये का 10 ग्राम आ रहा है, तो लोग ये कर लेना कि 30,000 रुपये का एक बॉन्ड गवर्नमेंट एक उनको बॉन्ड दे देगी, एक पेपर दे देगी, उस पर लिख देगी हाँ भाई ये एक मतलब 10 ग्राम सोने के इक्वल है और इसकी प्राइस आपको जिस प्रकार सोना होगा ना उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस आपको मार्केट में मिलती रहेंगी। मतलब आपको सोना नहीं रखना केवल आपको वो पेपर अपने पास रखना है, फ्यूचर में जब भी आपको अगर मार्केट में लगे कि भाई मेरा सोना बेचना तो आप इस पेपर को लेके जाओ बैंक वाले को दो कि ये लो भाई मेरा पेपर है ये मेरा सोना था 10 ग्राम का 20 ग्राम का जितना भी था, उसके आधार पे बैंक आपको उस रेट में मतलब मार्केट में जो रिसेंटली करंट ट्रेड होगा सोने का वो दे देगा। तो मतलब होगा क्या फिजिकल सोना लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं होगी, तो उसके लिए सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है वो आरबीआई के द्वारा लाई गई थी 2015 में, तो उसकी 3rd सीरीज वो भी स्टार्ट की गई थी ताकि सोने का इंपोर्ट कम हो इंडिया का, तो इंडिया का राजकोषीय घाटा है वो थोड़ा इजी हो जाए मतलब खत्म हो जाए, खत्म होने का मतलब थोड़ा कंट्रोल में आ जाए सीधी सी बात। आगे एक छोटी सी न्यूज हुआ है तेलंगाना की कि तेलंगाना में IoT और ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है वो स्टार्ट किए हैं, तो तेलंगाना पहला स्टेट बना है जिसने ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है उसको प्रमोट किया। ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी का मतलब ये है कि ई वेस्ट का मतलब ये होगा जैसे फोन वगैरह का जो कचरा होगा ना बैटरी वगैरह या फिर इनके चिप वगैरह ये सारा जो लैपटॉप मोबाइल वगैरह का इस कचरे को किस तरीके से मैनेज करना उसके लिए तेलंगाना ने अपनी पॉलिसी है वो स्टार्ट किए हैं। इसके साथ IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग को भी किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने अपनी ये पॉलिसी जाहिर की है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वो सारी चीजें आती है मोबाइल हो गया कंप्यूटर हो गया इंटरनेट वाईफाई वगैरह ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट न्यूज है वो है जनरल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। तो जनरल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है वो देखते हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है। सबसे अच्छी बात सबसे अहम बात तो ये कि इंडिया के द्वारा ही जारी किया जाता है, इंडिया का एक एनजीओ है। कौन सा इंडिया के एनजीओ का नाम है प्लान इंडिया, प्लान इंडिया एक एनजीओ का ही एनजीओ है उसके द्वारा इसे इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है कि भाई वर्ल्ड बैंक है फलाना फलाना कुछ नहीं है, इंडिया का प्लान एनजीओ उसके द्वारा सारे काम होते हैं। इसमें कुछ पैरामीटर को फोकस किया जाता है जैसे कि हेल्थ को फोकस किया जाता है कि हेल्थ कैसी है, एजुकेशन किस तरीके की है, गरीबी क्या हालत है, और इसके साथ ही घरेलू हिंसा को भी इसमें फोकस किया जाता है भाई घरेलू हिंसा कैसी है, कि वुमेन्स के लिए घरेलू हिंसा वाला पॉइंट काफी अहम हो जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इंडेक्स जारी किया, गोवा पहली रैंक पे आया, उसके बाद केरला आया, उसके बाद मिजोरम आया और सबसे नीचे आया बिहार। बिहार नीचे क्यों आया, क्योंकि वुमेन सेफ्टी के मामले में बिहार सबसे नीचे रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो बात ऐसी है 2-3 इंडेक्स और लग गया तो वो भी हम यहाँ पे लपेट लेते हैं। पहला आता है जनरल इनइक्वलिटी इंडेक्स। जनरल इनइक्वलिटी इंडेक्स है वो जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है वो की जाती है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो बहुत सारे काम करती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अगली न्यूज है वो आई है साथी के बारे में। देखो 7 स्कीम थी वो तो थी नीति आयोग और आसाम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी हेल्थ और एजुकेशन के लिए, ये है साथी। तो एग्जाम में ऐसा मत करना कि 7 साथी भी ब्लास्ट के 2 अक्षर गायब हो गए तो 7 स्कीम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। साथी स्कीम है वो है सस्टेनेबल एंड एक्सीलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। इतना लंबा नाम है थक जाते हैं बोलते बोलते इसमें, तो देखते हैं खैर आगे। ये साथी स्कीम है वो चलाई गई है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, इसके साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL, इसके साथ पावर मिनिस्ट्री और इसी के साथ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री, इन 3-4 के द्वारा मिलकर सारा काम स्टार्ट किया गया। होगा क्या इसमें, साथी स्कीम का मेन काम यही है कि भाई जो पावर हैंडलूम है ना लोगों के पास वो थोड़े मॉडर्न टाइप के हो, मतलब गवर्नमेंट उनको थोड़ा फंड देगी और उनको मॉडर्न जो पावर हैंडलूम है वो उनको प्रोवाइड कर जाएंगे, हैंडलूम सेक्टर को मतलब हस्तशिल्प जो उद्योग है उनको नए हैंडलूम वगैरह दिए जाएंगे, तो ये इस स्कीम में काम होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा ताकि एक तो एनर्जी एफिशिएंसी वो आए, देखो पुराने जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उनमें एनर्जी लाइट ज्यादा कंजम्पशन लाइट ज्यादा कंज्यूम होते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा स्टार्ट है काम है वो किया है।
अब आगे इसमें यह है कि हमारे देश में जो मैक्सिमम बात ऐसी है कि एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना है, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तो अहम बात यह आती है कि भाई खर्चा कम होना चाहिए, कॉस्ट भी तो सस्ती होनी चाहिए ना, तभी अभी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो कॉस्ट वगैरह को कम करना। इसी के साथ ही ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने यहाँ पे देखा है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज वो आई है भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में। तो भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसे देख लेते हैं। देखो ये दो तीन स्कीम है, भारतमाला, सागरमाला वगैरह। तो भारतमाला को आप ऐसे याद रखना कि भारतमाला को है ये है रोड से रिलेटेड, सागरमाला मतलब सागर आ रहा है, मतलब वो है पानी से रिलेटेड, मतलब उसमें पोर्ट वगैरह का डेवलपमेंट होगा, और इसमें है भारतमाला मतलब ये है उससे रिलेटेड। एक स्कीम याद लो, दूसरी अपने आप आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है इन दोनों में काफी बार। तो भारतमाला प्रोजेक्ट है वो है रोड बनाने के लिए, इसमें अप्रोक्सीमेट हमारे देश में बने जाएंगे 24,800 किलो, 24,800 किलोमीटर हाईवे है, नेशनल हाईवे वगैरह छोटी मोटी रोड है वो सारी बनाई जाएंगी। तो यह ध्यान रखना। अब इसमें होगा क्या, इसमें देख अलग अलग फिर रोडों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, फेडरल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, इसके साथ ही बाकी जो बॉर्डर रोड है वो भी बनाई जाएंगी। तो सारी और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि मेनली जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा तो इसे बनाई जा रही है, मतलब जो हमारी हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो तो है ही इसमें शामिल। इसके साथ ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बीआरओ कहाँ काम करेगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम ये होता है कि जो काफी दुर्गम एरिया होते हैं ना बॉर्डर वाले, मतलब जहाँ की बॉर्डर का इशू आता है उस वाले एरिया में रोड बनाने का काम किया जाता है, वो क्या जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यह भी हमें ध्यान, कुछ डिफिकल्ट एरिया है वहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो रोड बनाएगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। इसे स्टार्ट किया जाएगा मेनली राजस्थान से, राजस्थान से स्टार्ट किया जाएगा, फिर पंजाब हरियाणा से होते हुए उधर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश से होते हुए, फिर मतलब इधर धीरे धीरे ईस्ट की साइड जाया जाएगा। तो ये इसकी सीक्वेंस रहेगी, खैर वो तो इतना याद नहीं करना। चलो अगली जो न्यूज है वो देखते हैं ईईएसएल के बारे में, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में। काफी सारी बार नाम आ गए बार बार, तो देखते हैं क्या है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है वो मेनली एक ज्वाइंट वेंचर ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और इसके साथ पावर ग्रिड का एक ज्वाइंट उपक्रम है। मतलब बात यह है कि जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके साथ ही फाइनेंशियल जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो, और इसके साथ ही रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है वो, और इसी के साथ में पावर ग्रिड, तो इन चारों के द्वारा एक जो ज्वाइंट उपक्रम है वो है ईईएसएल। काम इसका ये होगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है उसको ढंग से यूज करे, एफिशिएंसी उसकी बढ़ाई जाए, उसके लिए काम करेगा। किसकी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, यह आएगा पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो यह ध्यान रख लेना, अभी है क्या इसके बारे में, बार बार नाम आ चुका काफी बार, तो विम ने इसे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज वो आई है फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव बाई आरबीआई। देखो आरबीआई ने एक बड़ा कैंपेन चलाया है लोगों को डिजिटल लिटरेसी के लिए, क्योंकि देखो इस बार मतलब लास्ट ईयर के बजट से काफी सारे काम वो डिजिटल होते जा रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई लोगों को है थोड़ा मतलब अवेयर करवाया जाए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन वगैरह से संबंधित, नेट बैंकिंग किस तरीके से यूज करते हैं, मोबाइल बैंकिंग वगैरह, ये सारे काम, इंश्योरेंस वगैरह हुई, ई ट्रांजेक्शन वगैरह, इन सबसे। तो आरबीआई ने पहल की है कि भाई आरबीआई ने कहा कि भाई हम भी थोड़ा बहुत कुछ काम कर लें तो लोगों को अवेयर करवाया जाएगा। अब आरबीआई ऐसा तो है कि खुद जाएगी लोगों के पास, तो आरबीआई ने क्या किया कि जो डिफरेंट एनजीओ है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी हेल्प से इस लिटरेसी को इंजाम है वो दिया जाएगा, हम लोगों को ई ट्रांजिशन वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह किस तरीके से है, हमें किस तरीके से रिचार्ज, मोबाइल, ये सारे काम है ये लोगों को अवेयर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है वो आई है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है वो हमारे देश के 8वें शेड्यूल में, हमारे देश का जो संविधान है उसके 8वें शेड्यूल में है ये। देखो मैंने आया था शायद 1966 में, अब उससे ये थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं भी, इसमें भी ध्यान नहीं है, शायद 1966 में होगा, एक बार चेक कर लेना इसको, फिर कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि बाकी किसी को भी दिक्कत हो और मुझे भी पता चल जाए। इसमें थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में ये था कि एक तो मदर टंग लैंग्वेज है उसमें एजुकेशन दी जाएगी, इसके साथ ही एक लैंग्वेज होगी वो होगी एजुकेशन, और तीसरी लैंग्वेज है वो बाद में चूज की जाएगी, तो ये होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखें कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला था वो 8वें शेड्यूल में है, ये इसमें ये प्रावधान किया भाई तीन लैंग्वेज है उनको फोकस किया जाएगा। अगली जो न्यूज है ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, काफी अच्छा, यहाँ पे यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकती है, हिस्ट्री में भी यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, मॉडर्न हिस्ट्री वाले में भी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, किस लिए आई थी, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि भाई हमारे देश में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आई थी। सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो थी 1968 में, सेकंड आई थी 1986 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम के बाद आई थी ये। तो इनमें क्या था, इनमें भाई नई एजुकेशन पॉलिसी में फोकस किया गया था कि हमें साक्षरता अभियान वगैरह वो सब चलाने हैं। इसके बाद भी कमेटी वगैरह आई थी, तो इसके साथ एक अहम हुआ है कस्तूरी रंजन कमेटी। तो कस्तूरी रंजन कमेटी की हेल्प किस लिए आई थी, वो आई थी भाई नई एजुकेशन पॉलिसी है वो लेके आई जा सके अभी, और उसमें नए चेंजेस वगैरह उसके और नई जो मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन है वो दी जाए। इसके साथ ही कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन वो बताना चाहिए, कोठारी कमीशन 1964 में आया था, इसमें था कि सभी स्टेट को एजुकेशन है वो दी जाएगी, मतलब सभी स्टेट में एजुकेशन है वो कंपलसरी करने वाला सीन था। राधा कृष्ण आयोग था, राधा
प्रोटेक्शन कमीशन था वो आया था 1948-49 में। इसमें यह था कि हायर एजुकेशन को प्रमोट करना है, इसके लिए आया था हायर एजुकेशन के लिए। और जो आया था नेक्स्ट आया था वो था मुदिलियार, मुदिलियार जो कमीशन था वो आया था 1952 में। यह मेनली आया था कि भाई सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है उसे बनाने के लिए, आगे इम्प्रूव करने के लिए। तो यह हमें ध्यान रखना है, तीनों चारों रट लेना ऐसी की ऐसी लाइन बाई लाइन ही। और एजुकेशन पॉलिसी दो आई है इंडिया में वो देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज है वही उन्नत भारत के बारे में, तो देख लेते हैं भाई उन्नत भारत क्या क्या। उन्नत भारत इसलिए आया गया है कि भाई हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशन है ना उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना है। कौन से को? हायर एजुकेशन को। किस लिए? ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो बढ़े और रूरल एरिया का हालात है वो भी सुधर सके। सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी स्कीम चला रही है कि जैसे ना तैसे हमारे देश की हायर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, उससे हमारे देश को काफी ज्यादा फायदा होगा, रूरल एरिया में भी होगा। देखो हायर एजुकेशन अच्छी होगी उसका मतलब ये होगा कि जो टीचर्स हैं वो काफी अच्छे निकलेंगे। अगर टीचर ज्यादा अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली बच्चों को और ज्यादा ढंग से वो पढ़ाएंगे, तो मतलब ऑल ओवर हमें बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट हायर एजुकेशन पर ज्यादा फोकस कर रही है कि वो काफी अहम हो जाते हैं। अगर हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमियां रहती है तो फिर अच्छे टीचर नहीं आएंगे, अच्छे टीचर नहीं आएंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या, खाक वाली बात है। इसमें किस किस पे फोकस किया जाएगा? इसमें फोकस किया जाएगा हमारे देश की आईआईटी और जो एनआईटी है ना, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वगैरह, उन पे फोकस किया जाएगा और उनको टेक्निकल हेल्प वगैरह वो दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है वो आई है सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन के बारे में। सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन है क्या? यह मेनली आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इसको मतलब बनाया है, वो गया है। सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन का मतलब यह है कि भाई ये पानी को अब्जॉर्ब नहीं करेगी, ये पानी के अलावा जो बाकी चीज होगी उसको अब्जॉर्ब करेगी, मतलब पानी से इसे डर। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि पानी से डरना, मतलब पानी से डर रहता है। तो है अब इसका कॉटन का यूज क्या होगा? इसका यूज होगा देखो हमारे, आपको पता है कोस्टल एरियाज में काफी बार क्या होता है कि तेल वगैरह का फैला हो जाता है, ऑयल स्पिलिंग। तो उस कंडीशन में इस कॉटन का यूज किया जा सकता है कि भाई पानी तो एब्जॉर्ब करेगी नहीं, कॉटन तो तेल को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उसकी वजह से जो ऑयल स्पिलिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो वहां इसका यूज है वो हो सकता है। आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है वो आई है शिल्पोत्सव 2017 के बारे में। तो शिल्पोत्सव 2017 है वो मेनली सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था। काम क्या है इसका? काम ये है कि जो वीकर सेक्शन है ना हमारी सोसाइटी का, जो आर्टिस्ट है उनके, मतलब जो लो तबके के जो सोसाइटी के लोग हैं, जिनको आर्ट जो कलाकार है उनके एरिया में, उनको एम्पावर करना। मतलब जो वो आर्टिस्ट जो कि लोअर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनको एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने शिल्पोत्सव 2017 है वो स्टार्ट किया था। कौन सी मिनिस्ट्री है? वो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है वो है एग्रीकल्चर हैकाथोन। हैकाथोन देख लेते हैं। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर हैकाथोन है वो पहली बार विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था इंडिया में। इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि भाई विश्व के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, ग्रुप है, वो आके बातचीत करेंगे कि भाई किस तरीके से हमें स्टेप उठाना है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? वो स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, इसके साथ ही कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है वो है प्रोजेक्ट सक्षम। प्रोजेक्ट सक्षम है वो है रेलवे, इंडियन रेलवे में हायर, इंडियन रेलवे में स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब स्किल है वो इम्प्रूव किया जाए ताकि हमारे रेलवे के हालात है वो सुधारने के लिए। रेलवे में स्किल होंगी तो रेलवे में जो काफी झालमेल वाला सीन है ना उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो तानाशाही चल रही है उसको दूर करने के लिए, मतलब अपग्रेड करने के लिए, रेलवे को थोड़ा सिस्टम ठीक हो जाए इसके लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो स्टार्ट किया गया है रेलवे के द्वारा। तो यह ध्यान रखना है कि जो प्रोजेक्ट सक्षम क्या है। इसके बाद में है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, PUS। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है वो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा है। सीन है क्या इसमें? इसमें यह है कि जो एल्यूमिना और जो एल्यूमिनियम है ना और जो माइनिंग और बॉक्साइड है, इनके बारे में यह है कि भाई इन सबको भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, उसकी वजह से जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं इनको आगे इम्प्रूव करने के लिए। तो कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, बस इसमें यह ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उससे रिलेटेड है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वो है अरविंद मोदी पैनल। अरविंद मोदी पैनल है वो किस रिलेटेड है? यह है मेनली टैक्स रिफॉर्म के लिए कि हमारे देश में नए टैक्स लॉ है वो बनाए जाएं उनके लिए। तो यह जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके द्वारा बात की गई थी भाई एक पैनल बनाओ, और उसका काम ये होगा कि हमारे देश में जो नए डायरेक्ट टैक्स है ना उन डायरेक्ट टैक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह किए जाए और नई कानून वगैरह बनाए जा सके। इसके बाद में है पढ़े भारत बढ़े भारत। तो पढ़े भारत है क्या? पढ़े भारत बढ़े भारत है वो है मेनली एक सब प्रोग्राम है सर्व शिक्षा अभियान का। हमारे देश की गवर्नमेंट ने चलाया था सर्व शिक्षा अभियान 2000 के टाइम के आसपास। उसका मेन मुद्दा था कि भाई सभी को शिक्षा वो प्रोवाइड करा जा सके 6 से 18 साल तक के, 6 से 18 साल तक के बच्चों को। 18 या 16 एक बार कन्फ्यूज हो, मैं खुद भी कमेंट बॉक्स में, आप एक बार देख लेना इस चीज़ को कि सर्व शिक्षा अभियान में बच्चों की डेज थी वो कितनी थी, क्योंकि यूपीएससी की बार पूछ लेती है ऐसे स्टेटमेंट में कि इसमें 6 से 16 साल तक के बच्चे हैं, 6 से 18 है। तो ध्यान रखना है कि इसमें एक बार आप देख लेना सर्व शिक्षा अभियान में। इसमें मेन फोकस ये रहेगा कि भाई जो
लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट है ना, उस पर फोकस किया जाएगा, मतलब लैंग्वेज के आधार पर डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों का जो मैथ में अट्रैक्शन है वो बढ़ाया जाएगा। अभी क्या है कि बच्चों को मैथ के नाम से हाइड्रोफोबिया हो जाता है कि मैथ का नाम जानते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं आती। तो जो बच्चों के मन में मैथ का डर है उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने यह अभियान चलाया ताकि बच्चों को मैथ के प्रति अट्रैक्ट हो किया जा सके। तो ये सारे काम इसमें किया जाएंगे, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, ये। तो ये है फिलहाल की हमारी डिस्कशन, आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।